चिंता में हूँ कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ, क्योंकि मैं सोच के आई थी कि ये ट्रेनिंग है, लेकिन पहले दिन जब फोटो मुझे अनुज भेजा तो मैं बोली ये सम्मेलन है क्या स्कूल टीचर्स का, क्योंकि एक प्रशिक्षण के लिए 40 से 50 प्रतिभागी ही होना चाहिए जिसमें कि एक एक जन के ऊपर ध्यान दिया जा सकता। आप लोग कितने लोग हैं टोटल? तो 6 प्रशिक्षण होना था कम से कम। कल अनुज हमको बोला कि बहुत सारे टीचर, हम लोगों ने 10 ग्रुप बनाया है, तो मैंने फिर मैसेज किया डू यू हैव 10 टीचर्स हो दे, 10 टीचर है क्या, तो अलग अलग क्लास कर ले। खैर ये एक शुरुआत है, हम लोग जोश में आके सब लोग जोशीले हो गए हैं। और आज जो मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी वो यहाँ पे भी होना चाहिए था, प्रशिक्षण है तो बोर्ड होना चाहिए था, चार्ट पेपर होना चाहिए था, पेन्स होना चाहिए था, ताकि जो चीज हम लोग लिखते वो चिपका दिया जाता कि जो शिक्षा के समय नहीं पाए वो बैठ के फिर चार्ट में लिखते हैं। अगली हम लोग वो सब भी कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि प्रशिक्षण का मतलब आप लोगों का स्कूल में बिना व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के हो जाता है? कॉलेज कितने लोग जाते हैं? कॉलेज में केवल लेक्चर्स होते हैं, एक बार भी नहीं लिखाता है। तो फिर इस बार भी बहुत सारी चीजें हमारी मानस पटल में रहेंगी, बहुत सारी चीजें हमारी कॉपी में रहेंगी, पर कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो मेरा अनुरोध होगा पश्मी डिनरी उर्फ अब डायसिस धीरे से, कि जब आप प्रशिक्षण करें ये सारे बच्चों को, ये सारे शिक्षकों को फिर से मौका दें कि एक बेहतर प्रशिक्षण हो, ताकि जब पश्मी डायसिस का निर्माण हो तो संडे स्कूल सबसे मजबूत कड़ी हो। ये सपना होना चाहिए पश्चिमी डायसिस का। जितने लोग सुन रहे हैं आत्मा क्या कहती है पश्चिमी डायसिस से, आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तो कहता है बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। तेरे इस चुनौती को, तेरे इस आह्वान को जब इतने सारे हमारे प्यारे बेटे बेटियों ने अपने जीवन में महसूस किया है और इस जगह में तेरे अनुग्रह से को प्राप्त करके संडे स्कूल के टीचर बनने के लिए आए हैं, प्रभु आशीषित कर हर एक जन को, आशीषित कर हम सबों को, अपने लहू से ढाप कि जो कुछ तू चाहता है वो इस समय में पूरा हो सके, यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमेन। मैं बहुत खुश हूँ कि आज जब मैं आप लोगों के सामने संडे स्कूल टीचर्स को किस तरह से बढ़ाना चाहिए ये सिखाने के लिए आई हूँ। मैं याद कर रही थी आज जब रास्ते में चलते हुए, तो इस कलीसिया में मैंने अपनी सेवकाई जो शुरू की थी वो संडे स्कूल टीचर्स सेमिनार से शुरू किया था। मैं अपना MSW कंप्लीट करके आई थी और रेवरेंड बी के टोपो रफून, स्वर्गीय रफून बखला मेरे भाई और मैं, हम लोग 3 जन घूम घूम करके हर एक डिनरी में संडे स्कूल टीचर्स सेमिनार को आयोजित किए थे। और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उस सेमिनार से हमारी कलीसिया में बहुत सारे पुरोहित, उस बुलाहट को समझते हुए वो पुरोहित अभी हैं, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा इसलिए कि मेरे एक संडे स्कूल टीचर मेरे साथ यहाँ पर हैं, जॉन दादा, रेवरेंड जो हमारे डीन थे रेवरेंड जॉन तिर्की, वो मेरे संडे स्कूल के टीचर थे। और जब हम लोग बात करेंगे ना तरीकों का, तो मैं जरूर बताऊंगी कि किस तरह से टीचर्स कितने इम्पैक्ट रखते हैं, टीचर्स का लाइफ कितना इम्पैक्टफुल होता है हम लोगों के जीवन के लिए। मेरे और एक संडे स्कूल टीचर थे जो हमारे कलीसिया में भूतपूर्व मुख्य सचिव अनूप, रेवरेंड अनूप बखला, सॉरी मिस्टर अनूप बखला, वो भी मेरे संडे स्कूल टीचर थे। तो देखिए, एक संडे स्कूल टीचर जो मेरे थे वो डीन बन गए, एक संडे स्कूल टीचर जो मेरे थे वो मुख्य सचिव बने रिटायरमेंट। तो आप लोग
आगे चल के मेरा बस आप लोगों को एक सपना दिखाना है कि आप लोग जो संडे स्कूल टीचर बन रहे हैं, कल को जाके कोई डीन और बिशप हो सकते हैं, कोई परिषद के मुख्य सचिव भी हो सकते हैं। हम लोग आज का जो हम लोगों का क्लास है उसको करेंगे पेन जानना है। आप ही लोग से सुनना है कौन कौन सा पेरिश से आए हैं। बंदर चुआ, पथल गांव, जशपुर, इंदुरी, सरहापानी, सीतापुर, बतौली, कोरबा, सन्ना, कितने हो गए? 12 पेरिश से आए ना, तो 12 पेरिश की टोटल कितनी मंडलियों के हैं? कोई हिसाब किया था? नहीं, खाने के समय हिसाब करके हमको बताइएगा कि कितने मंडली के, कितने मंडली के संडे स्कूल के के नौ निर्माण के लिए हम लोग यहाँ पे आए। अब मुझे ये बताइए कि कितने लोग अभी तक में संडे स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाते गाना गाने वाला नहीं, गाना गाने का अगुवाई हम लोग बहुत लोग संडे स्कूल में करते हैं, पर लिटरली पढ़ाए हैं, हाथ उठाइए। तो कितने लोग संडे स्कूल में पढ़ाए हैं? 1, 2, 3? नहीं नहीं, जो पार्टिसिपेंट्स लोग हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स लोग में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 300 में 16 लोग हैं जिन लोग पढ़ाए हैं, और बाकी लोग हम लोग सीखने आए हैं। गाना तो गवाते होंगे, आराधना तो करवाते होंगे, और वहां पे युवा संघ के अधिकारी लोग बोलेंगे जाओ तुम लोग को सीखना चाहिए, बोले कि नहीं बोले? जाओगे सीखोगे तब ना संडे स्कूल करोगे, यही ना बोले? हम झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे? सच बोल रहे। और किसी किसी को मन भी नहीं किया था ना आने का, पर जिनको मन नहीं किया था यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। दाऊद ना बहुत बड़ा राजा था, पर वो कहता था कि प्रभु के आंगन में हमको रहना सबसे अच्छा लगता है। उतना बड़ा राजा को केवल ईश्वर का आंगन में रहना, उसको अंदर घुसना होता था, परमेश्वर का भवन भी उनमें नहीं घुसता था, आंगन में ही रहना अच्छा लगता था। तो हम लोग को तो इतना अच्छा मौका मिला, तो जिनको अच्छा नहीं भी लगा था उनको अच्छा लग रहा है, ये बहुत खुश की बात है। मैं आप लोग से ही जानना हूँ कि परसों के शाम को आप लोग आए है ना, तो उस दिन भी क्लास हुआ? लेट हो गया था तो क्लास नहीं हुआ। हम देखे थे आप लोग अपना बैग सब पकड़ पकड़ के इधर उधर बैठे हुए थे, हमको फोटो मिल गया था, ठीक है। कुछ लोग थके आए थे, कुछ लोग बात कर रहे थे। तो अभी तक मैं आप लोग का किस किस विषय में क्लास हुआ है जरा बताएंगे, तब हम उसके आगे बढ़ेंगे। अरे कॉपी खोल के नहीं, बिना कॉपी खोले कलेशिया का इतिहास एक बार हमको लिखना है ना, कलेशिया का इतिहास, पंजिका, कट्टे केसर, कौन लिखा भाई कट्टे केसर, कौन था? ओ जर्मनी में। इतिहास कितने लोग पढ़े हैं? इतिहास पढ़ाई होता है ना, उसमें हिस्ट्री, हिंदी नहीं आ रहा है, हिस्ट्री पढ़े हैं, उसमें जो हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे धर्मों का परिवर्तन होते गया, उसमें डॉक्टर मार्टिन लूथर का नाम सुने थे? वो किस मत संशोधन, किस मत के अगुवे थे? पहले क्रिश्चियन समाज रोमन कैथोलिक समाज के रूप में थी, और उसके बाद एक मत संशोधन के बाद में आज से 500 साल से पहले
प्रोटेस्टेंट लोग हुए, प्रोटेस्ट किए उसमें से, और उसमें मार्टिन लूथर जो थे उसने भी प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्टेंट मत की का आरंभ हुआ। और उसके बाद चूंकि लूथर के साथ में जो उसके सिद्धांतों में साथ दिए वो लोग लूथरन्स कहलाए, क्या कहलाए, आप लोग भी हैं। तो मार्टिन लूथर का मत क्या था, उसका क्या कहना था, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, ये वचन को लेकर के आगे बढ़ा गया था कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, ठीक है। और हम लोग मार्टिन लूथर ने कैटेकिस्म को इसलिए लिखा कि कैटेकिस्म को बाइबल का क्या कहते हैं, बाइबल का सार, निचोड़, एसेंस, हिंदी इंग्लिश जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैटेकिस्म पढ़े और नियमावली भी पढ़ लिया संडे स्कूल में, व्यवहारिकता में क्या पढ़े, कैसे पढ़ाना चाहिए, तो पढ़ा तो लिए तो फिर हम क्यों पढ़ाएंगे, अपने जीवन में व्यवहार। और क्या पढ़े, 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक हुआ, और आराधना विधि, और बस बाप रे एक दिन दान दिन, ये नियमावली के साथ में आया होगा ना, हाँ जो नियमावली है उसके साथ में आएगा। तो एक दिन में आप लोग 6 टॉपिक पढ़ लिए, कल 4 और आज 2 हो गया, और अभी तो अंकुश हो जाएगा ना, हम पढ़ाएंगे तो नहीं होगा, तो लेकिन आज का जो टॉपिक था ना मेरा वाला, वो पहले चाइल्ड साइकोलॉजी होता ना, बाल मनोविज्ञान, उसके बाद तरीका ज्यादा बेहतर होता, खैर वो दोनों सब्जेक्ट है ना वो एक दूसरे का पूरक है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि इसके बाद जो भी पढ़ाएंगे बाल मनोविज्ञान उसका कुछ कुछ चीज चोरी कर लूं पहले ही, ठीक है। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि वो आप लोगों के लिए रिपीटेशन होगा तो आप लोग सीख पाएंगे। तो मेरा जो विषय है, विषय जो मुझे मिला है वो है संडे स्कूल में पढ़ाने का तरीका। हम लोग ना समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बाद में लिखिएगा, या जरूरत पड़ेगा तो हम लिख के आप लोगों के लिए दे देंगे ताकि आप लोग उसको रख सकें, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उस कोना में क्या कर रहे हैं लोग, हम पढ़ाते समय हमको चाहिए, क्या कर रही हो मैया, सिर नीचे करके थोड़ा सा इधर मेरे तरफ ध्यान दो, मेरे तरफ देखो, मेरे लिए एक चैलेंज है कि सबको ही मेरे साथ में होना चाहिए। तो संडे स्कूल क्या है, संडे स्कूल का इतिहास पढ़े, संडे स्कूल कब से शुरू हुआ जाने, इसको बताना पहले जरूरी होगा, फिर रॉबर्ट रेक्स का नाम किसी ने बताया, बताए थे कि नहीं बताए, कौन है वो, फिर से हम हिस्ट्री में जाएंगे, औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1700 ईस्वी में यूरोप में जब शुरू हुआ, तो यूरोप में आप लोगों को स्टोरी बताया भी गया होगा, फिर भी हम बताएंगे, उसके बाद हम पूछेंगे सेकंड हाफ में आप लोग से। यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उस समय क्या हुआ कि गांवों से भी लोग आ करके शहर के बड़े बड़े कारखानों में काम करने लगे, और कारखानों में जब काम करते थे तो 12 घंटे माँ बाप लोग कारखाने में रहते थे, कारखाना मतलब समझ रहे हैं क्या, फैक्ट्रीज, ठीक है, तो उसमें रहते थे, और संडे को छुट्टी होती थी, संडे को सारे बड़े लोग गिरजा जाते थे, पर बच्चे लोग चूंकि गिरजा में चाय चिपड़ करते थे तो माँ लोग पीटती उठती थी,
या पादरी लोग बोलता ऐसा करके देखता था होगा, इसलिए बच्चे लोग बाहर खेलते रह जाते थे। रॉबर्ट रैक्स नाम का एक जर्नलिस्ट था, एक पत्रक था जो कि क्रिमिनल जर्नलिस्ट था। वो अपराधियों के अपराध के ऊपर में अन्वेषण करता था, रिसर्च करता था। वो जेल में गया और देखा बहुत सारे बच्चे लोगों को कि बिना किसी कारणों से भी वो लोग जेल में छोटी छोटी चीजों को करके, तो वो सोचने लगा कि इसका जड़ कहाँ पे है। और वो फिर क्या पाया कि जो बच्चे मतलब रविवार के दिन ऐसे ही खेलते रह जाते हैं, माँ बाप लोगों का फैक्ट्री में जाने के कारण भी बच्चे लोग ऐसे ही बाहर में खेलते रह जाते हैं, कोई उन लोगों का आध्यात्मिकता भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है। तो उसने शुरुआत किया 1737 के बाद 1750 के आसपास में कि वो संडे स्कूल, संडे को जब सारे माँ बाप लोग गिरजा जाते थे तो संडे को वो बच्चों को जमा करके एक वरांडे में क्या करता था कि बच्चों को गणित, सामान्य ज्ञान और धर्म विज्ञान तीन चीज सिखाता था। वो किस लिए सिखाया होगा तीन चीज? गणित क्यों सिखाया होगा? क्यों सिखाया होगा गणित? उसको ना से बोलेंगे क्यों सिखाया होगा गणित बच्चों को? बच्चों को गणित जानना चाहिए कि नहीं? इसलिए सिखाया कि कल को जाके तो लोग फिर से फैक्ट्री में जाएंगे, तो उनको सही रूप से हिसाब किताब जानना चाहिए। दूसरा चीज सिखाया सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब सूरज किधर से निकलता है, किधर डूबता है? जाड़ा के बाद सीधे बरसात आता है, क्या आता है? गर्मी आता है। हाथ धो के खाना खाना चाहिए कि ऐसे गंदा खाना खाना चाहिए? रोज दिन नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? चुपचाप रहना चाहिए कि बात भी करना चाहिए? हंसना चाहिए कि केवल रोना चाहिए? तो ये सब चीज उनको सिखाता था। और उसके साथ धर्म विज्ञान। धर्म विज्ञान क्यों सिखाया होगा? धर्म विज्ञान का मतलब क्या? धर्म विज्ञान का मतलब धार्मिक शिक्षा, बाइबल का ज्ञान, वचन की शिक्षा। क्यों दिया? क्यों दिया होगा बाइबल के बारे में जानकारी? क्यों दिया होगा बताइए ना? हम सब चीज नहीं बताने हैं, आप लोग ने बोलेगा तो उसके आगे हम नहीं बोलने वाले। क्यों दिया होगा बच्चों को बाइबल का शिक्षा? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों दिया होगा? हम क्या विनती करते समय क्या बोले? सबसे पहले हम क्या वचन बोले? मैं जब विनती की उस समय बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए वो बालकों को परमेश्वर के पास लेके आ रहे थे। दूसरी चीज ये थी कि माँ बाप 12 घंटे काम करते थे, तो धर्म के बारे कुछ बताते ही नहीं रहे होंगे बच्चों को। और उसके बाद जब बड़े होंगे तो एक बार से चर्च जाएंगे तो क्या होगा उनका? जब सब बोलेगा उठो तो काहे उठवा रहा है, बैठो बोले तो काहे बैठा रहा है, उन लोगों को फिर चर्च अच्छा नहीं लगेगा और उसके बाद वो चर्च से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए रॉबर्ट रैक्स ने गणित, सामान्य ज्ञान और धर्म विज्ञान तीन चीज की शिक्षा देनी शुरू की। और उसके बाद एक जो विधवा महिला थी उर्जला, उसने अपने घर को खोल दिया कि लाओ आओ और सारे बच्चों को यहाँ पर तुम जो शिक्षा दे रहे हो, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो, दो। और उसके साथ लोग जुड़ते गए। और चूंकि ये स्कूल कब होता था? संडे को होता था, और इसलिए इसका नाम हो गया, क्या नाम हुआ? संडे स्कूल। हम लोग अपने संडे स्कूल का सपना अभी बता रहे थे ना, तो ऐसे संडे स्कूल की शुरुआत हुई। और उस संडे स्कूल में ये जरूरी अब हो गया कि जब हम लोग संडे स्कूल कर रहे हैं, अब जब स्कूल्स हैं और संडे को संडे स्कूल है, तो हम और संडे स्कूल को कैसे बेहतर करें, उसके लिए ये जरूरी है कि हम कैसे संडे स्कूल में किस किस तरीके से, क्या हमारा
थोड़ा व्यवहारिकता हो, आप लोग बहुत चीज पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं अब आप लोगों के साथ में बात करना चाहती हूँ कि संडे स्कूल में जो नए लोग हैं, जो 13 जन है वो लोग शिक्षक हैं, 13 जनों से मेरा एक सवाल है, आप लोग के बच्चे लोग, संडे स्कूल के बच्चे लोग आप लोगों को क्या नाम से पुकारते हैं? दीदी करके। हाँ, जो लोग पढ़ाते हैं संडे स्कूल में, दुलार होते हैं कि नहीं होते हैं आप लोग से? गुस्सा होते हैं? गुस्सा भी होते हैं, जैसे जो प्यार करता है ना वही उससे गुस्सा हो सकता है, जैसे प्यार ही नहीं है तो उससे गुस्सा करके भी कोई फायदा है? नहीं होते। तो आप दादा और दीदी हैं, और एक वचन है जो कहता है दूसरा कोरिन्थ 3:3 में, तुम मसीह के पत्री हो। पत्री का मतलब जानते हैं क्या है? तुम मसीह पत्री हो। पत्री का मतलब पत्र, पत्र का मतलब लेटर, चिट्ठियां लिखते हैं। आज तो आजकल तो ईमेल होता है, आजकल टेक्स्ट होता है, और आजकल क्या क्या होता है, मैसेज होता है। आप मसीह के पत्री हैं। आपकी जिंदगी से मतलब पत्र का मतलब क्या होता है? पत्र को पढ़ते हैं ना, लेटर को जब हम पढ़ते हैं तो उसे क्या पता चलता है, क्या लिखा गया, उसका मकसद क्या है लेटर का। तो जब आप मसीह के पत्री हैं का मतलब है कि हर एक संडे स्कूल का टीचर क्या है? मसीह का पत्री, मतलब मसीह यीशु आपके जीवन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मसीह यीशु आपके जीवन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हर एक टीचर, पहला जो हमारा क्राइटेरिया, जितने लोग नए लोग आए हैं 13 जन को छोड़ के बाकी के लोग, हम लोग को पहला चीज सोचना है, और जो 13 जन है उसको भी सोचना है, और जो लोग बाकी लोग हैं उनको भी सोचना है कि तुम मसीह के पत्री हो, कह रहा है शिक्षक को, तो क्या हम हैं। अब मैं आगे बात करूंगी कि पढ़ाने के लिए तरीका से पहले कुछ सिद्धांत जानना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होता है, कुछ रूल्स होता है पढ़ाने का। तो पहले हम लोग सिद्धांत की बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत है कि आपको एज अ टीचर जानना है कि जिनको आप पढ़ा रहे हैं वो क्यों, कैसे लोग हैं, उनको, उनकी इच्छा क्या है, क्या चीज वो पसंद करते हैं, क्या चीज वो ना पसंद करते हैं। अपने श्रोताओं को, अपने स्टूडेंट्स को जानना अच्छी तरह से। इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं, है ना, संडे स्कूल में आप लोगों ने 3 भाग रखा है ना, 3 भाग ही करते हैं संडे स्कूल में क्लास का। सबसे छोटे बच्चे कितने से कितने उम्र वालों के लिए करते हैं? 0 से 8 साल के बच्चे, उन लोगों का कैसा आदत है? अगर दीदी से प्यार है तो ऐसे ऐसे करके सटते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके आते हैं, आते कि नहीं आते हैं, और कभी कभी कुछ चीज नया रहता तो ऐसे करके दिखाते भी हैं। तो उन लोगों को ना शारीरिक रूप से अपने एक्सप्रेशंस को वो दिखाते हैं, तो ऐसे बच्चों को जानना आपको जरूरी है कि कौन से बच्चे को क्या उसके साथ में उसकी परिस्थिति है। और ऐसे बच्चों को जब हम सिखाते हैं, सिद्धांत ये कहता है कि ऐसे बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखना है, एक्शन सॉन्ग कराना है, बच्चों को एक बार बोलना चलो उठ के एक बार हम लोग गोल घूमते हैं, तो एक बार बोले कि बड़ा सा सूरज था, तो क्या था, सूरज था, तो सारे लोग एक साथ सूरज की बात करेंगे। तो ये जो सबसे छोटे बच्चे हैं उसके लिए, 8 साल तक के बच्चे। उससे बड़े बच्चे कितने, कितने से कितने साल के बच्चों को रखा है आप लोगों ने? 9 से 13। तो ये जो 9 से 13 साल के बच्चे हैं, उन लोगों को थोड़ा मजाकिया मूड ज्यादा रहता है कि नहीं? कुछ जोक्स होना चाहिए उनके साथ में, कुछ अट्रैक्टिव चीज होना चाहिए, कुछ चीज एकदम नया होना चाहिए, एकदम से क्या बोलेंगे, इनोवेटिव, मतलब कुछ चीज ऐसा हो जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल उनके लिए कहानी ऐसी होनी चाहिए कि यीशु पानी में चल दिया, कल को जाके वो लोग भी बोलेंगे हम लोग भी पानी में चलेंगे एक बार, करते हैं कि नहीं। तो उस उम्र के बच्चों के साथ में आप किस तरह से कर रहे हैं, आप जब
उनका क्लास लेने आ रहे हैं, तो कम से कम 3 जोक्स तो अपने दिमाग में लेके आएगा, सिली जोक्स नहीं। बहुत आजकल होता है कि ऐसा वाला कि उसका चिस मारा, वो वाला जोक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए आप ऐसा जोक्स खोज के आइए, ऐसा आप कुछ कुछ क्या बोलते हैं क्विज जैसा क्वेश्चन खोज के आइए जो उनको हंसी भी दे और एक्टिव भी रखे। और जो तीसरा ग्रुप है आपका, कौन सा ग्रुप है, 14 से 15 से संडे स्कूल में 15 से 35 साल के बच्चे आते हैं जो कंफर्मेशन नहीं लिए हैं, तो उस उम्र के बच्चों को बौद्धिक जुड़ाव होता है चीजों से, अपने लाइफ के लिए एसोसिएट करते हैं जो चीजों को वो सीखते हैं। तो ऐसे उम्र के बच्चों के साथ में विश्वास में बढ़ना, तो पहला जो टीचर का काम है कि आप कौन से ग्रुप के साथ में बैठ रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी है कि उन्हें क्या पसंद है। दूसरा जो सिद्धांत है वो कहता है कि आप विषय चुन रहे हैं या विषय वस्तु चुन रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। विषय और विषय वस्तु दो चीज है। आप आज की विषय वस्तु विश्वास को ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज का जो विषय है वो है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना। समझ में आया फर्क? विषय है यीशु चंगा करता है, ठीक है, विषय वस्तु क्या है, चंगाई। तो आपको करना है कि आप क्या विषय पर बात करने चाह रहे हैं या विषय वस्तु पर बात करना चाह रहे हैं। सिर के ऊपर से जा रहा है, हम जान रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो चीज है वो आप कैसे विषय को लोगों के सामने बताते हैं, किस उम्र के बच्चों के साथ में उस विषय को, एक ही चीज, यीशु पानी आंधी और पानी को थामा, एक ही विषय है। जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप डोंगा ऊपर है यीशु निंदाए गेले को गाना गा के सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि नहीं, जानते हैं ना आप लोग, ठीक, हम लोग गाएंगे इसी कहानी को। जब आप मिडिल क्लास के साथ में कर रहे हैं, उनको बोल कि प्रभु यीशु मसीह जो सो रहा था उठा और आंधी और पानी को भी शांत कर सकता है, इतना पावरफुल परमेश्वर है, तो आपके जीवन में भी काम करेगा। और जो सबसे बड़े लोग हैं उनको ये बोल सकते हैं कि अविश्वास जो है, हम लोग बहुत बार यीशु मसीह हमारे साथ चलते हैं लेकिन चेलों की तरह हम भी अविश्वास करते हैं, एक बार तो प्रभु को पुकारिए, आपके जीवन में बदलाव आएगी। देखिए एक ही कहानी से 3 क्लास को कैसे पढ़ाए, समझ में आया? तो ये जानना जरूरी है कि आप कौन से क्लास को पढ़ा रहे हैं, उनका इच्छा क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। और इस कहानी आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आप लोग सब लोग बोले रोचक बनाना है, उसमें कम्युनिकेशन अच्छा होना है, मैं लिख रही थी लिस्ट की, बच्चों को एक्टिवली हमको रखना है। तो जब भी आप क्लास लेने जाएं तो बड़ा सा कॉपी खोल के ऐसे से पलटिएगा मत, कभी भी अगर आपको नोट बनाना है सिर्फ एक पेज का, सिर्फ एक पेज जो आपके, क्योंकि अगर मेरे पास में 3 पेज है और हम बता रहे हैं उसके बाद ऐसे पलटे, आप लोग का मुंह ना बनने लगेगा, बाप रे और 2 पेज, बाप रे और 3 पेज, कितना देरी खत्म होगा, होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो कभी भी ये सिद्धांत है कि कभी भी आप पढ़ाने जा रहे हैं एक पेज से ज्यादा कुछ नहीं। आप उसमें पॉइंट लिखिए, आप उसमें कहानी लिखिए, जो भी लिखिए, लेकिन एक पेज, ये सिद्धांत है। और उसके साथ साथ जब संडे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का ध्यान ना हर समय नहीं लगा रहेगा, जैसे आप लोगों को भी बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत अकबकी लग रहा है, हमको भी लग रहा है जल्दी जल्दी खत्म करना, पर 3 चीजें हर बार जब आप पढ़ाएंगे, 3 ऐसा पॉइंट खोजिए जो आप बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं, 3 ऐसी चीज, वो आपको कोशिश करनी होगी कि खोज के बताएं, वही उनका टेक होम ये होगा, मैसेज होगा कि वो घर में जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ में बातचीत करना चाहूंगी कि विधि क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। मैंने सिद्धांत में भी कुछ विधि को बताया,
पर अब मैं पढ़ाने के तरीके के बारे में बात करना चाहती हूँ। नीति वचन 22 उसका 6, नीति वचन 22 उसका 6 कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वह बुढ़ापे तक उससे ना हटेगा। संडे स्कूल का मतलब समझे, आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसी मार्ग पे वो चलेगा और जब बुढ़ापा भी आएगा तो भी वो उससे नहीं हटेगा। तो उस शिक्षा को देने के लिए विधि क्या होगी? सबसे पहला चीज है कि हम लोग तीन चार चीजों को उसमें सोचेंगे कि एक शिक्षक को, एक दादा दीदी को रचनात्मक होना होगा। हम लोगों को नई क्रिएटिविटी लानी है। उसके साथ साथ बच्चों को उत्साहित करने के लिए बच्चों से सुनना भी होगा। हम लोग के लिए ए सुनो तुम लोग अभी ऐसे कहेंगे तो नहीं होने वाला है। मेरा टाइम था तो अभी कितना हम चले गए, आधा घंटा पार कर गए होंगे। तो बच्चे को हम लोगों को समझना है। हर समय आप उनको केवल डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैं जब संडे स्कूल में पढ़ती थी, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर लोग से पढ़ी संडे स्कूल में। तो संडे स्कूल में हम लोगों के एक ऐसे टीचर थे जिससे हम लोग सब बहुत डरते थे, पादरी ससुराव सुमेन जी। वो खड़े होते थे तो हम लोग बोलते थे संडे स्कूल के प्रिंसिपल आ गए, सब लोग क्योंकि वो ऐसे दादा देख लेते थे, हम लोगों के लिए काफी होता था। वैसे टीचर भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ संडे स्कूल में बहुत प्यार करने वाले टीचर लोग थे। एक शमशोन दादा थे जो हम लोग को गीत सिखाते थे, हम लोग के जॉन दादा थे जो गीत सिखाते थे, उनका गीत अभी भी याद है, मैं यार प्रभु सनातना सागर में आंधी चला। मतलब हम लोगों के लिए ना जॉन दादा आएंगे, हम लोगों के लिए एक नया गीत होगा। हम लोगों को पता, मतलब संडे स्कूल को आप कैसे रोचक बनाएंगे, आपकी टीम होनी चाहिए। एक शिक्षक से संडे स्कूल नहीं चलता है, कोई भी स्कूल एक एक टीचर से नहीं होता है। आपको उसमें मिक्स ऑफ द टीचर्स होना है अलग अलग तरीके से, और उसके साथ साथ बच्चों की बातों को सुनना, बच्चों के साथ समय देना। आज हम लोग रास्ते में चलते आ रहे थे तो खुशी हम बोले कि संडे स्कूल में हम क्या बोले बताओ, क्योंकि संडे स्कूल में संडे स्कूल से उन लोग भी निकले हैं, कन्फर्मेशन ले लिए हैं, अभी संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो खुशी बोली कि बड़ी मम्मी ऐसा होना चाहिए जहां पर कि संडे स्कूल के बच्चों को अपनी अदर पर्सनल लाइफ की भी बात करने के लिए टीचर लोग के पास समय होना चाहिए, या उन लोगों की काउंसलिंग कर सके। और वही एक्चुअली रियल संडे स्कूल है। मैं संडे स्कूल में पढ़ी भी और मैं संडे स्कूल में पढ़ाई भी, और मैं जब संडे स्कूल में पढ़ाती थी तो बच्चे लोगों के साथ में मेरा बहुत इतना अच्छा रिश्ता था कि अभी वो लोग बड़े बन गए, हम बैंगलोर जाके आए, पायलट है वो, मेरे से अभी भी वो इज्जत वाला डर है। या उन लोगों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उनके लाइफ में चेंज हुआ, कि टीन एज में जैसे भी थे उन लोगों को जब हम लोग मार्गदर्शन किए तो आज उन लोग केवल अच्छे पोजीशन में नहीं है काम कर रहे हैं, पर वो अपनी कलीसिया के लिए और अपने समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। तो संडे स्कूल के टीचर को बच्चों का सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार माँ बाबा बच्चों की बातों को नहीं समझ सकते हैं, पर आप जब बच्चों को देखते हैं और उनके साथ में वो रिश्ता बनता है तो वो लोग भी आपके साथ में बातचीत करेंगे। और बच्चा लोगों को, बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार सिखाना है। अब छोटे छोटे बच्चों को आप लोग बोलेंगे कि विश्वास दर्पण बोलो, बड़ा पाप स्वीकार बोलो, 5 साल का बच्चा को सही रहेगा? 5 साल का बच्चा को क्या सिखाना चाहिए? खाना खाने के लिए बिनती, प्रभु प्रभु, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना। बच्चे को, जो 5 साल के बच्चे हैं उनको आप साक्षी बानी कुड़ू डंडी से गीत गीत कंठस्थ करा दीजिए, उसको सिखा दीजिए। तो
उनकी क्षमता के अनुसार उनको पढ़ाना, और उसके साथ साथ वर्तमान में जो गतिविधियां चलती हैं संडे स्कूल में, उसमें और गुणवत्ता लाने के लिए क्या काम करना, ये तरीका जब हम पढ़ाने के तरीके की बात करते हैं तो उसको सोचना होता है। अब मैं बात करूंगी कि कौन कौन से विधि। पहला चीज है कि क्रियात्मक रूप से आप एक्टिवली, संडे स्कूल का टीचर ना ऐसे केवल खड़ा होके पढ़ाएगा ना तो बच्चे लोग सुनेंगे नहीं ना, पर अगर आप क्रियात्मक मतलब क्रिएटिव मतलब एक्टिव मतलब होना है कि आपकी आवाज में भी अगर आप कहानी बता रहे हैं तो कहानी अगर आप बोलते हैं कि एक बार बीज बोने वाला निकला, बीज बोने के लिए गया, रास्ते में बीज डाला, उसके बाद आगे बढ़ा, फिर उसके बाद वो झाड़ी में बीज डाला, फिर उसको चिड़िया चुग गया, फिर झाड़ी दबा दिया, फिर पत्थर में गिरा, सूरज आया, सूरज उसका रोशनी से जल गया, खत्म हो गया, और फिर अच्छी भूमि में गिरा और 100 गुना 70 गुना फल लाया। कैसा लगा? अच्छा लगा? मेरे से पहले यहाँ अनुज भैया कंडिदात अनुज इतना ऊपर नीचे आवाज से बोल रहे थे ना, कितना अच्छा सुनाई दे रहा था, उतना अच्छा हम लोग नहीं बोल पाए। और अगर हम लोग बोलते एक बीज बोने वाला निकला, उसके पास टोकरी में ढेर सा बीज था, और वो जब रास्ते से जा रहा था तो कुछ बीज रास्ता में डाला, पर चिड़िया आया और क्या किया, चुग लिया। फिर आगे बढ़ा बीज बोने वाला, और जाके जब उसका होया तो झाड़ी में गिरा। झाड़ी में कैसे बीज उगेगा? उगेगा, उगा था, लेकिन फिर क्या हुआ, बड़ा बड़ा वाला पुटुस झाड़ी आया तो फिर आगे बढ़ा और बीज गिरा। कहाँ गिरा? चट्टान सब था उस जगह, वहां पर बीज बढ़ेगा, थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन ऐसे ही वाला चढ़चढ़ा के सूरज उगा तब क्या हुआ, झुलस गया और सूख गया। और कुछ ना अच्छा वाला जो जमीन था, खेत था, उसमें गया और उसके बाद वो पौधा बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसमें फूल लगा, फल हुआ, कितना फल हुआ, बगरा बगरा। अभी वाला कहानी कैसा लगा? सब लोग इन्वॉल्व हो गए ना हम लोग, तो ऐसे ही टीचर को एक्ट होना है, क्रियात्मक होना है कि आपकी बातों को बच्चे सुन करके उस चीज को अनुभव कर सके। ऐसा नहीं लगा कि आप भी बीज बोने निकले थे सेकंड वाला कहानी बताते समय, लगा कि नहीं लगा? लगा, पर पहला बार बोले उस समय देखा बोल रही है ना, तो वो उस तरह से एक्टिव होना है। दूसरा है कि कुछ डेवलप भी करना है, निर्माण भी करना है, कुछ क्रिएटिव होने में चित्र भी बनाना है। हम सोचे थे यहाँ पे अगर ये होता ना तो हम अभी स्टोरी बोलते जाते और एक जन को बोलते कि कहाँ चित्र बनाते जाओ, अच्छा रहता ना वैसा। या फिर जैसे छोटे बच्चे लोग हैं तो गांव में हम लोग, अभी आप लोग मिट्टी का काम सब नहीं करते हैं, हम लोग थे ना छोटे तो स्कूल में भी हम लोग को मिट्टी का काम करना होता था, और जब हम रांची में संडे स्कूल पढ़ाते थे तो सबसे छोटे बच्चे लोगों को हम लोग वो काम करते थे। अभी तो दूसरी चीजें निकली है जो क्ले सब उससे काम करते हैं। मैं मुझे अभी भी याद है, आपको वो एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि एक बच्चा था वो केवल ऐसे 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 करके मिट्टी को ये करके पतला 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 बना रहा। हम लोग पूछे क्या बना रहे हो, 3 साल का था बच्चा, 2.5 साल का, झोंप क्या बना रहे हो, झोंप बना रहे। हम लोग बोले कि क्रिएशन का स्टोरी बताए, उत्पत्ति का कहानी बताए, और बोले ईश्वर बाबा क्या क्या बनाया, तुम लोग अपने से मिट्टी लो और अपने से बनाओ। मिट्टी वहां साना हुआ था, सब बच्चे लोग बना रहे थे, वो बच्चा सीधे ऐसे ऐसे लेके छाप बनाया। तो हर बच्चा, दो ढाई साल का बच्चा, उस दिन मुझे पता चला कि 2.5 साल का बच्चा भी क्रिएशन की स्टोरी को समझ गया, ठीक है। और हम पूछे छाप क्या करेगा, आएगा ना अभी फल खवा देगा, समझ लीजिए 2 साल का बच्चा भी विश्वास में पड़ सकता है। हम लोग छाप को मारे किसको रहने देंगे, नहीं छाप को ना भगा देंगे, उतना भी उसको पता। देखिए कि छोटे बच्चों को कम मत समझिए, अनुज अभी बता रहा था ना कि हर बच्चा को हमको क्या करना है, बच्चा नहीं समझना है। इसका एग्जाम्पल मेरी जिंदगी में अपने है कि हमको ये मौका मिला कि मेरे माँ बाबा के साथ में
हुई शादी के बाद भी। और मेरा बेटा जब जन्मा यश, तब हम लोग जैसे कुछ बातें सब करते थे, तो यश के नाना हर समय बोलते थे, यश बच्चा नहीं है, वो परिवार का एक सदस्य है, उसको सदस्य जैसा व्यवहार करो। और हम लोग बचपन से उसको एक सदस्य के रूप में व्यवहार किए वैसे ही। और इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने दूसरे भाई बहनों से थोड़ा सा अलग है कि परिवार की जिम्मेदारियों को भी से समझता है। अगर हम उसको भी बच्चा ही जैसा समझते तो शायद वो परिवर्तन हम नहीं देखते। तो हमारे संडे स्कूल के बच्चे भी बच्चे नहीं है, हमारे संडे स्कूल के बच्चे भी ख्रिस्त की कलीसिया के अंग हैं। इस बात को हम लोगों को याद करना, ख्रिस्त की कलीसिया के वो बच्चे भी अंग हैं और उनको भी उतना ही अधिकार है। इसके साथ साथ कंठस्पद याद करना, कितने लोगों को याद है जो क्या बोलते हैं आप लोग, कंठस्थ नहीं बोलते, मुखाग्र करना, याद करना। स्थल वचन, संडे स्कूल का एक मैंडेट होना चाहिए कि स्थल जितना से अधिक हो सके, आप ज्यादा नहीं सिखाना चाहते हैं, हर महीना के लिए एक स्थल वचन रखिए। 12 महीना में 12 ठो वचन बच्चा याद करेगा कि नहीं? हाँ जरूर करेगा, 12 ठो वचन, ज्यादा मत करवाइए, वैसे ही शुरू कीजिए। क्योंकि वचन कहता है कि एक दिन आगे चल के किस चीज का भूख और प्यास होगा, वचन का भूख और प्यास होगा। तो उस समय के लिए तैयार करना हम लोगों को बहुत जरूरी है। और मुझे, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं CNI चर्च के स्कूल में पढ़ी थी जहाँ पे कि स्थल वचन हम लोग को बहुत याद कराया गया, और उसके साथ साथ संडे स्कूल में भी हम लोग बहुत सा वचन को याद किए। और उसी का नतीजा है कि आज कि अपनी तन्हाई के समय में, अपने ऐसे समय में जहाँ पर उदासीनता होती है, जहाँ पर डिस्करेज होते हैं, तो उस समय वो वचन हम लोगों को, मुझे भरोसा दिलाते हैं, वो वचन हमको याद दिलाते हैं कि मैं कमजोर नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ है हर चीज के लिए। तो वो जिंदगी को सक्सेसफुल बनाता है प्रभु का वचन। तो जितना मुखाग्र करेंगे, जितना स्थल वचन याद करेंगे, उतना अधिक धनी होते जाएंगे, केवल धार्मिकता में नहीं, केवल विश्वास में नहीं, परंतु अपने पर्सनालिटी में धनी होंगे, अपने व्यक्तित्व में धनी होंगे। और उसके साथ जब आप अपने व्यक्तित्व में धनी हुए, तो संसार में अगर आपके पास एक रुपया भी है तो आप उससे भी धनी, सबसे आपसे धनी व्यक्ति कोई भी नहीं है। इसके आगे जो है कि संडे स्कूल में लिखने की प्रवृत्ति, हर एक बच्चों को संडे स्कूल की एक डायरी होनी चाहिए। हम लोग संडे स्कूल में थे ना, तो संडे स्कूल की डायरी में गीत हम लोग का एक से एक होता था। अब तो क्या है, इंटरनेट का जमाना है, अब तो व्हाट्सएप है, अभी तो इंस्टा है, अभी तो और क्या क्या है, फेस टाइम है और क्या क्या है, तो गीत इधर उधर से आ जाता है। पर आप अगर आप अपने हाथों से गीत को लिख करके रखते हैं तो आपको जल्दी याद आता है। जब आप लिखेंगे कोई चीज को तो बहुत जल्दी ज्यादा याद आएगा। तो संडे स्कूल में बच्चों को जरूर से बोलिए कि एक संडे स्कूल का डायरी या कॉपी रखेंगे। इवन टीचर लोग के पास होना चाहिए, वो क्या पढ़ाए वो आपके पास में रहेगा। पंजिका में तो है बना हुआ कि ये पढ़ाना है, लेकिन उस विषय के अंदर में आपने क्या क्या सीख दी वो होना है। इसके साथ साथ खेल का भी माध्यम का इस्तेमाल, विभिन्न खेल के माध्यम से भी आप शिक्षा संडे स्कूल में दे सकते हैं। सबसे पहला चीज है इसमें, और कि इसके लिए ये सारी विधियों को करने के लिए, संडे स्कूल में पढ़ाने के तरीकों को अपनाने के लिए सबसे पहला चीज है वो आप बच्चों को किसके बारे में बताने वाले हैं, विश्वास के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, है ना, बताने वाले हैं। तो पहले आप नहीं जानेंगे तो उसके बारे में बता सकते हैं। तो एक बहुत गहरा सा क्वेश्चन है मेरा, प्रभु यीशु मसीह के साथ में आपका व्यक्तिगत रिश्ता क्या है? अगर आप संडे स्कूल के टीचर होना चाहते हैं, अगर आप
बच्चों की जिंदगी को यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं, तो पहले आप तो जानिए कि यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह अगर आपके जीवन के प्रभु हैं, तभी आपके बच्चों के जीवन के प्रभु हो पाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपके बगल में रखा है, तो फिर बच्चों के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकते। तो जो शिक्षक का जीवन है, सबसे पहला जरूरी है कि आपको जिसके बारे में आप बताने वाले हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, उसको आपको जानना जरूरी है। ये बहुत आवश्यक है कि प्रभु के साथ में हर एक शिक्षक का व्यक्तिगत संबंध होना, यही है संडे स्कूल टीचर्स के लिए पहला क्राइटेरिया, जो बोलते हैं ना कि अहर्ताएं क्या होती हैं किसी भी चीज के लिए। अहर्ता मतलब क्वालिफिकेशन। तो ये पहला आपका जो क्वालिफिकेशन होना है वो प्रभु यीशु मसीह को जानना, ठीक है। दूसरा है कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा, लचीला होना होगा। अगर बच्चे बोल दिए कि आज हम और नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है, आज हम कहानी सोच के आए थे, पर बच्चे बोले नहीं आज हम लोग गाना गाएंगे, तो आपको उसी कहानी से रिलेटेड कोई गाना आप सिखा सकते हैं या सवाल जवाब या क्विज कर सकते हैं। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनी जिंदगी में हमको लानी होगी। और एक चीज जानिए कि हर एक सवाल का आपके पास में जवाब शायद नहीं हो सकता जो बच्चे पूछे, तो उसमें नहीं बोलना कि चुप रहो तुम लोग क्या क्या बोलते हो हम नहीं बताएंगे, पर ये बोलना है कि ठीक है हम नहीं जान रहे हैं, अगले सप्ताह हम पूछ के बताएंगे, या जो दूसरे दादा दीदी लोग हैं उनसे बताएंगे पूछ के, या हम पादरी साहब से पूछेंगे और जरूर बताएंगे। इस चीज को हम लोगों को जानना है। बहुत बार संडे स्कूल में पढ़ाने का मन करता है, पर लगता है कि पता नहीं हम तो आधा चीज जान रहे हैं आधा चीज नहीं जान रहे, कैसे पढ़ाएंगे। तो याद रखना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम लोग सीखते हुए परफेक्शन में जाते हैं। और इसके साथ साथ क्लास बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, हम बहुत लंबा खींच दे रहे हैं, छोटे छोटे अंतराल में होना चाहिए। संडे स्कूल में केवल पढ़ाना नहीं चाहिए, कुछ एक्टिविटी कराइए, छोटा छोटा अंतराल, थोड़ा सा कहानी बताइए, थोड़ा सा गीत गाइए, थोड़ा सा किसी को बोलिए कि आज तुम बताओ, जिसका बर्थडे है उसको खड़ा कीजिए, उसके लिए एक बार बर्थडे गीत गाइए। किसी का बर्थडे है क्या आज? सब अभी नहीं बताएंगे क्योंकि मिठाई खिलाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से लोगों को एक्टिव रखिए। और इसके साथ साथ कभी बच्चों के साथ में मिलके स्किट कीजिए, या तीन क्लास है ना, तो सप्ताह में एक दिन जिस दिन प्रभु भोज होता है ना, अलग से संडे स्कूल होता है कि गिरजा के समय में ही होता है आपके यहाँ संडे स्कूल? अलग से होता है, तो फिर महीना में एक बार एक क्लास के द्वारा ड्रामा दूसरे सारे बच्चों को दिखवाइए, हो सकता है ना। उससे क्या होगा कि बच्चे लोग आत्मिक रूप से तो बढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो स्टेज फियर बोलते ना, तभी एक बेटी बोल रही थी कि लिखा हुआ भी कुछ है, मेरे दिमाग में भी कुछ और है, और मुझे बहुत बोलने की इच्छा हो रही है। तो एक मौका मिलता है कि स्टेज के सामने आके पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलने के लिए हम लोग संडे स्कूल से ही तैयार होते हैं। मेरे ऑफिस में बहुत बार लोग पूछता है कितना बेबाक बेधड़क कैसे बोल सकते हैं। तो उसके बाद किसी ने कहा कि नहीं, क्रिश्चियन लोगों में ना बहुत सारा ऐसा फोरम्स है जिसमें लोग अपने विचारों को रख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि संडे स्कूल से शुरू होता है हमारा फोरम, हमारे चरित्र के निर्माण का जो स्थान है परिवार के बाद एक संडे स्कूल है जहां से शुरू होता है। और इसलिए संडे स्कूल के टीचर्स को उतना मजबूत होना है और उनको बच्चों को और अधिक विश्वास में लाना है। और मेरे साथ तो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि संडे स्कूल में जहां मैं पढ़ाती थी, तो बच्चे लोग, छोटे बच्चे जो खाना खाने से पहले का बिंदी बिंदी सीखे थे, एक दिन उसके माँ बाप आके बोले, एकदम छोटा 3 साल का बच्चा, बोले कि हम लोग को धमकी मिला है तेरा नाम का। बोले क्या हुआ? तो बोले कि हम लोग खाना खाने से पहले बिनती नहीं कर रहे थे,
तो हम लोग का बेटा बोलता है रुको हम अक्कू दीदी को बता देंगे, तुम लोग बिना बिनती के खा रहे हो। उतना भरोसा बच्चों का होने दीजिए। संडे स्कूल के और हमारे चर्च के बच्चों के लिए है क्या? हमारे संडे स्कूल में हमारे चर्च के ही बच्चे आते हैं। आप इतना रोचक बनाइए कि दूसरे चर्च के भी बच्चे हैं। जहां हम संडे स्कूल में पढ़ाते थे वहां सीएनआई चर्च के भी बच्चे आते थे और सरना बच्चे लोग भी आते थे, और अभी भी उन बच्चों के साथ में मेरा रिश्ता है। हमको लगता है 25 साल हो गया, 25 से ज्यादा साल हो गया, फिर भी उन बच्चों के साथ में मेरा रिश्ता है। अभी उन लोग जवान है, अच्छे अच्छे जगह में है। अंत में मैं एक और वचन के साथ आप लोगों के साथ में पढ़ाने की विधि के साथ में बात करना चाहती हूँ, वो है व्यवस्था विवरण 6:5-8। आप लोगों को कोई क्लास में जरूर पढ़ाए होंगे इस वचन को, व्यवस्था विवरण 6:5-8। क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 6:5-8 इसमें यूं लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझसे तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बने रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। यहाँ तक आमीन। संडे स्कूल में जो बड़ी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ये है जो अभी पढ़ेंगे, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन चित्त जीव से प्राण करना, और जो विधियां हैं जो हमारी कलीसिया की विधियां हैं जो बाइबल के आधार पर है, बाइबल के द्वारा जो वचन है जो जीवित वचन है उसको अपने बच्चों तक को सिखाना, और कलीसिया के द्वारा ये एक प्रावधान है कि परिवार में, मैं मानती हूँ कि परिवार एक यूनिट है जहां से विश्वास में बढ़ना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जहां पे कि विश्वास की ऐसी नींव नहीं है, और ऐसे बच्चों के लिए संडे स्कूल कलीसिया के द्वारा एक ठहराया हुआ एक विधान है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि बच्चे विश्वास में बढ़ते हैं। और यहाँ पे वचन कहता है कि उठते बैठते चलते फिरते उनको सिखाना। केवल संडे के दिन बच्चे आपको नहीं देख रहे, मेरे प्यारे बच्चों, आप जो संडे स्कूल के टीचर बन रहे ना, बच्चे लोग केवल संडे के दिन आपको नहीं देख रहे, मंडे को भी देखेंगे, ट्यूसडे को भी देखेंगे, वेंसडे को भी देखेंगे, थर्सडे को देखेंगे, फ्राइडे को देखेंगे, सैटरडे को देखेंगे, और फिर संडे तो देखेंगे ही देखेंगे। मेरा कहने का मतलब है जब आप एक शिक्षक बन रहे हैं तो आप मसीह की पत्री बन जा रहे हैं, आपको बच्चे देख करके आपके समान बनने की, आप में अगर मसीह को देखते हैं तो आपके समान बनने की कोशिश करेंगे बच्चे, और इसलिए उनको सिखाना है। हाथ में बांधने का कहता है, हाथ में बहुत सारे जो अलग आस्था के लोग हैं वो लोग ताबीज बांधते हैं इसलिए कि बहुत सारी चीजों से बच, उसी तरह से वचन को हम लोगों को बच्चों के जीवन के लिए बांधना है हाथ में। दूसरा चीज, हाथ में हम लोग घड़ी पहनते हैं, उससे क्या देखते हैं? समय। वचन अगुवाई करेगा कि जो समय आ गया है अंत का समय, उसमें भी बच्चे सजग हो पाएंगे। और माथे में टीका के समान रखना, जो लोग टीका लगाते हैं उसका कारण क्या है पता है? लोगों का ये सोच है ना कि चेहरा को कोई नहीं देखेगा, टीका को पहले जाएगा ध्यान। तो अगर आपकी और किस गलत सोच भी है और गलत सोच से भी आपको देख रहा है तो वहां वचन को देखेगा, माथे में परमेश्वर के वचन को देखेगा, आपके जीवन से परमेश्वर को देखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो संडे स्कूल के टीचर बनने के लिए हम लोग इतने सारे लोग आए हैं और पश्चिमी डिनरी के प्रावधान से ये संभव हो पाया है, आप सब प्रभु की दृष्टि में अनमोल हैं। आप लोगों को किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा है,
ये परमेश्वर की इच्छा थी कि आप सब यहाँ आए और अपनी जिंदगी में एक छोटा सा परिवर्तन के रूप में से महसूस करें, और इसके बाद जब आप जाएंगे तो सही में संडे स्कूल में पढ़ाने के लिए हिम्मत भी बढ़ेगा, हौसला भी होगा, सहयोग भी होगा, क्योंकि आप ढेर सारे लोग हो गए ना, एक एक जन नहीं रहे, एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए, एक दूसरे को आप सहयोग कीजिए और बेहतर रूप से संडे स्कूल में और एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। महिला संघ का भी नियमावली अगर आप देखेंगे तो बाल प्रतिपालन हमारा एक उद्देश्य है, और मुझे बहुत तकलीफ होता है बहुत बार कि हम लोग महिला संघ वाले लोग यूथ लोगों के हाथ में संडे स्कूल करके छोड़ देते हैं, पर जवानों को भी और बच्चों को भी रास्ता दिखाना माँ लोग का काम है, और हम लोग डायसिस महिला संघ प्रतिबद्ध है कि हम लोग हर समय संडे स्कूल को सहयोग करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ चीज नहीं समझ में आया या बहुत गर्मी लग रही है तो तुरंत खत्म कर, गर्मी लग रही है ना, कुछ पूछना है किसी को, ये डर लग रहा है मेरे से, हम माँ हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कौन सा सॉन्ग? एक्शन सॉन्ग गाना होगा ना, जॉन दादा मसीहा को तुम मान ले आइए, मेरे टीचर के साथ गाइए, आप गा दीजिएगा, हम एक्शन करेंगे, सब कुछ सीखेंगे, आप ही सिखा दीजिए। अब हमको सिखाना, मेरे टीचर बोलिए, हम लोगों को जो हमारे टीचर सिखाते हैं छोटे बच्चों के, मसीहा को तू मान ले, मसीहा को तू जान ले, ओ मेरे साथी, मेरे मसीहा ने पेड़ बनाए तू लहलहाते देख ले, कितने लोग जानते हैं, मेरे मसीहा ने